नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। राज्य में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर भाजपा नगर कमेटी द्वारा सोमवार को राजमहल नगर में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रभारी गोड़ा के विधायक अमित मंडल उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत कुमार ओझा उपस्थित रहे। जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजमहल विधानसभा में लंबित योजनाओं को अति शीघ्र प्रारंभ करने, विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने, जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने, शहरवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने सहित अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द सुधार करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी राजमहल नगर मंडल के द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन और एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार को जगाने के लिए आयोजित इस चिलचिलाती गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पदयात्रा करते हुए और जुलूस निकाले हैं, वैसे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नगर अध्यक्ष श्री। इतना ही नहीं, बिजली के जर्जर खंभे पोल तार इस बदलने के लिए हमने अलग से करोड़ों की लागत से योजनाएं लाई थी। आज आप देख सकते हैं कि उसका हासिल क्या हुआ है। यहाँ के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, इसके लिए 36 करोड़ के लागत से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने ये व्यवस्था किया था ताकि हर एक घर को पीने का शुद्ध पानी हम पिला सके। लेकिन 2.5 साल के शासन में आपने योजनाओं का हस्त क्या किया, आज एक भी लोगों को घरों को पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में आप नहीं है। मित्रों, इतना ही नहीं, चाहे मॉडल डिग्री कॉलेज बन करके तैयार है, चाहे राजमहल में विवाह भवन स्वीकृत था, चाहे स्टेडियम जो 3,73,00,000 का स्टेडियम हमने स्वीकृत कराया था, जब विधानसभा के माध्यम से इस बात को पुनः रिपीट किए उसकी लागत राशि बढ़कर के 4,20,00,000 से ऊपर हो गई, लेकिन अभी तक स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजमहल के सड़कों पर कई किलोमीटर चल करके आज ऐसा कौन सा समय आ गया कि उनको सड़कों पर सिलसिलाती गर्मी में लू के थपेड़ों में जनता को साथ लेकर के सड़क पर उतरना पड़ा। आपने देखा होगा कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार थी, और रघुवर दास जी की सरकार में जनता के जो मौलिक मुद्दे थे, जो मौलिक समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए हम लोगों ने हर वो कदम उठाया जिसके कारण से ताकि जनता के प्रश्नों का समाधान हो। हमको याद है कि राजमहल के लिए यहाँ बिजली नहीं रहती थी, 8-8 दिन तक ब्लैक आउट रहता था, और उस ब्लैक आउट से निजात पाने के लिए राजमहल में करोड़ों की लागत से ग्रिड का हम लोगों ने निर्माण कराया। राजमहल के आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको ठीक कराया, और ये ठीक होने के बाद पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के अंत आते आते 22-23 घंटा बिजली राजमहल के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया था। लेकिन आज क्या है, मैं आज सुबह 7-8 बजे से राजमहल में है, लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी बिजली ठीक करवा दीजिए। माननीय हेमंत बाबू, ये राजमहल ये भी साहेबगंज जिला में आता है जिस जिला से आप भी जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं। आखिर यहाँ के लोगों का अपराध क्या है, किस कारण से राजमहल के लोगों को आपने 24 घंटा बिजली देने रोकने का काम किया है। आप देखिए सड़कों का हाल, किस प्रकार से सड़कें जर्जर हो गई है, सड़कों में ओवरलोडेड वाहन चल रहे हैं, किस प्रकार से लगातार विधानसभा में हमने इस आवाज को उठाया था। विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम इसको बनाने का काम करते हैं, विभाग के सचिव को जाकर के मिला, उन्होंने भी कहा कि 15-20 दिन के अंदर हम काम करते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि जिस सरकार में साहेबगंज जिला से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उस जिला में सेक्रेटरी के कहने पर काम तो हुआ, सरकार में सदन में बोलने पर काम तो हुआ, लेकिन काम के नाम पर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ ट्रक से डस्ट ला करके और गिट्टी का जो पत्थर का डस्ट होता है वो राजमहल के सड़कों पर डाल करके उसको स्थिति समझ लिया गया। मिलकर के हम लोगों ने इस संकल्प को दोहराया है। आपने देखा होगा राजमहल के मुख्य जर्जर सड़कों का निर्माण करो, राजमहल में स्टेडियम का निर्माण करो, राजमहल का स्वीकृत विवाह भवन का निर्माण करो,
राजमहल में पूर्व से स्वीकृत विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन करो, राजमहल में स्टेडियम का प्रारंभ करो। ऐसे जो यहाँ के जनता की जो समस्याएं थी, उस समस्याओं में विफलताओं को लेकर के, उस समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के आज हम सड़कों पर उतरे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उतरे हैं, अनुशासित तरीके से उतरे हैं, इस चिल्लाती गर्मी में उतरे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और नगर पंचायत के अधिकारियों से ये अपील करता हूँ, आप जनता के प्रश्नों का समाधान करने की दिशा में पहल करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक इन प्रश्नों का समाधान नहीं करेंगे तो सड़क से लेकर के सदन तक जनता को साथ लेकर के हम घेरने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के महल को, चाहे वो फरक्का हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो कल जगह से विद्युत आपूर्ति की बात हो, यहाँ पे कहीं कोई कमी सरकार को नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार की निकम्मा पंती के कारण आज यहाँ पर SLDC के कारण वोल्टेज कट होता है, बिजली कट होता है, और आप ये देखते होंगे कि 2 घंटा बिजली आता है फिर चला जाता है, 1 घंटा बिजली आता है फिर चला जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? जब 24 घंटा बिजली देने की बात सरकार करती है, मिलता कितना है यहाँ पे? 7-8 घंटे। और मैं साहेबगंज की ही क्या बात करूँ, गोड्डा जिला में भी वही स्थिति है। साहेबगंज विधायक अनंत ओझा जी से प्रेरणा लेके राजमहल विधायक से हम लोगों ने वहाँ पे भी ग्रिड बनाया, वहाँ पे भी सब स्टेशन बनाया। जिस प्रकार वहाँ ब्लैकआउट की समस्या यहाँ थी, गोड्डा में भी ब्लैकआउट की समस्या थी, धीरे 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 गोड्डा समेत साहेबगंज समेत चीजें पटरी पे आने लगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, फिर नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया और सबसे पहला काम साहेबगंज जिला में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इल्लीगल खदान चालू कर दिया। यहाँ पे माइनिंग में आप देखिए जो रोड की स्थिति हो गई है, किस कारण ये खराब है सबको पता है। मुझे तो लगा था कि राजमहल की यहाँ पे साहेबगंज की सड़कें चकाचक होगी, क्योंकि अनंत ओझा जी बार बार सड़कों के निर्माण को लेकर सदन में आवाज उठाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि केंद्र की योजनाओं का पैसा भी आवंटन हो जाता है, यहाँ पर ठेकेदार भी लौट हो जाते हैं, लेकिन कमीशन के कारण यहाँ पे सड़क निर्माण में राज्य सरकार देरी करती है, तो इससे बड़ी धोखा सरकार जनता को नहीं दे सकती जो ये सरकार दे रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तमाम समस्याओं का चिंता उल्लेख अनंत ओझा जी ने यहाँ किया, चाहे वो साहेबगंज हो, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे रांची हो, हर जगह वही अमूमन वही स्थिति है। इसीलिए हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते, कि जिन वादों के साथ सरकार ने सत्ता में काबिज अपने आप को किया था, वो वादे सरकार को दिखाना जरूरी है। अगर आप बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं तो वो चुनावी स्टंट है, पहले आप 24 घंटे बिजली दे दें उसके बाद बिजली मुफ्त देने की बात करें। ये सरकार को सुझाव हम लोग अपने कार्यकर्ता इन टोली के माध्यम से सरकार को देना चाहेंगे। इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चीजों को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण अधर में अटका हुआ है, यहाँ पर 33 करोड़ का 36 करोड़ का लघु जल आपूर्ति शहरी योजना अधर में अटका हुआ है, और यहाँ साहेबगंज में जो सुंदर नदी का पानी है उससे जलाशय से पानी जाना है गोड्डा में, वो भी वहाँ अधर में लटका हुआ है, इसलिए कि वहाँ पे राजनीतिकरण हो रहा है। उसी राजनीतिकरण के कारण लघु जलापूर्ति योजना शहरी को रोक दिया गया है, उसी राजनीति के कारण गोड्डा की लघु जलापूर्ति योजना को रोक दिया गया है। तो राजनीति करना है आप कीजिए, लेकिन जनता को जो उनका हक है ये जरूर सरकार दे। ये हम लोग सरकार को सद्बुद्धि देने का काम इस टोली के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं। और समय समय पे मेरा साहेबगंज आना होता है माननीय विधायक अनंत ओझा जी के सानिध्य में, कई चीज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे यशस्वी विधायक को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि राजमहल की जनता खुश नसीब है कि यहाँ पे ऐसा विधायक बना है कि जनता के साथ जुड़ा हुआ है, जनता की समस्याओं को सदन में उठाता है। और आप निश्चिंत रहे कि जब तक यहाँ से विधायक अनंत ओझा जी रहेंगे, आपके आवाज को सदन में बुलंदी के साथ रखने का काम इन्होंने किया है, करते आएंगे। और निकम्मी है वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। दोस्तों, इस सरकार की निकम्मापन अभी हमारे सम्मानित विधायक जी बता रहे थे कि हर जगह हम लोगों ने की लिखा है निर्माण कार्य कराना है, निर्माण कार्य कराना है। मुझे लगता है कि सड़कों का निर्माण कार्य ना हो, ना हो पेयजल के समस्या का निराधान ना हो, ना हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी के दिमाग का निर्माण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सबसे पहले हम लोगों को अब दिमाग का निर्माण क्यों कराना है, अभी विधायक जी बता रहे थे साहेबगंज जिला से वो बनते हैं विधायक, साहेबगंज जिला से वो बनते हैं मुख्यमंत्री,
और दुर्भाग्य देखिए गोड्डा जिला से भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं, गोड्डा जिला भी उनका अपना जिला है, लेकिन ये दो जिला है सबसे अति पिछड़ा जिला है पूरे झारखंड का। मैं सदन में जब हमारे लोकप्रिय विधायक जी गरजते हैं, बोलते हैं, कामों को लाते हैं, मैं सुनता हूं उनसे, उनसे सीखता हूं। मैंने कहा था कि विधायक जी, जब मैं विधायक बना था, कि आप अपने क्षेत्र में बिजली की समस्याओं का निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला विधायक हूं जिन्होंने ग्रिड का निर्माण यहां पे कराया, आज वो ग्रिड खड़ा है। 120 करोड़ का ग्रिड, सबसे पहला ग्रिड कहां बना? वो साहेबगंज में बना। किनके नेतृत्व में बना? आनंद ओझा जी के नेतृत्व में बना। लेकिन आज वो ग्रिड इस सरकार में हाथी का, ये आपका हाथी का दांत हो गया, दिखाने का कुछ और करने का कुछ और। अब आप देखिए कि ग्रिड बन गया, पावर सब स्टेशन बन गया, बिजली पोल तार लग गया। मुझे ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, आधारभूत संरचना के नाम पे साहेबगंज जिला पूरे झारखंड में सबसे पहला नंबर का जिला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।